के रनवे से जो 90% पूर्ण हो चुका है और उसके साथ नाइट विजय रनवे जो है उसके आवश्यक काम के फंड के लिए, न्यू टर्मिनल बिल्डिंग के लिए जो फंड चाहिए था, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया है, टेंडरिंग हो गई है, उसके बावजूद अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है क्योंकि कोविड के दौरान उन्होंने इसका पूरा फंड महाराष्ट्र सरकार ने कोविड में इस्तेमाल कर लिया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये उड़ान स्कीम में ये एयरपोर्ट आता है, 2 साल हम बहुत पीछे चल रहे हैं और डिवीजन का हेडक्वार्टर हमारा अमरावती है जहां पर बिजनेस हब है। आपने अगर देखा तो पूर्ण सिटी लैंड, बिजी लैंड और महाराष्ट्र में विद्यार्थी और पढ़ाई के लिए और बड़े हॉस्पिटल और सर्जन लाने के लिए हमें एयरपोर्ट को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। तो मैं सर आपसे विनंती करूंगी, इसमें जो आपको चीजें चाहिए थी महाराष्ट्र के ये डिपार्टमेंट से वो आपको दे दी गई है, पूरी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, तो इसमें आप कब फंड रिलीज करेंगे मैं आपसे विनंती करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न के संदर्भ के साथ नहीं है क्योंकि प्रश्न एयर बबल्स पर है, अंतर्राष्ट्रीय आवागमन पर है, लेकिन मैं अपने तरफ से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि जरूर आके मुझसे मिले और अमरावती की एक बहुत प्राथमिकता केवल महाराष्ट्र में नहीं है लेकिन पूरे देश में है और अमरावती के लिए जो भी आवागमन की सुविधा हम लोग कर पाएं आप जरूर मेरे पास आके मिलें और हम लोगों चर्चा करके देख लेंगे कि भविष्य का क्या रास्ता हमें अपनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ईडी मोहम्मद।